इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस से फैली हुई महामारी है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार जी। सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज कोरोना वायरस से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है? नमस्कार, मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा, कोरोना के संबंध में जानकारी एवं बचाव ही इसका इलाज है। अभी तक इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है। हम सभी को इसके विषय में जो भी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बचाव के, वो हमें अपनाना चाहिए। आप सभी जानते हैं ये एक विषाणु जनित वायरल डिजीज है, जो इस मरीज से ग्रसित रोगियों के द्वारा छींकने पर, खांसने पर या कहीं इधर उधर थूकने, तो जो सरफेस कंटेंट रहता है उससे फैलता है। ये एक छींटे और बूंदों के संपर्क में अगर आता है कोई व्यक्ति, उसके द्वारा फैलता है। और इसके इन्फेक्शन का जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है, केवल आंख है, नाक है या मुंह है। अगर हम किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति के संक्रमण से कंटेक्ट में आ जाते हैं जिसने हमारे सामने छींक दिया हो या खांस दिया हो, या उसके खांसने से किसी सरफेस पे ये बूंदें गिर गई हो और उन बूंदों के संपर्क में हमारा हाथ, हमारा मतलब कोई पार्ट आ जाता है, और उसको हम अगर नाक में डाल लें या मुंह में छू लें या आंख में छू लें, उससे यह संक्रमण हमारे तक फैल जाता है। डॉक्टर साहब, बार बार कहा जा रहा है कि आप जब भी घर से बाहर गए हों, अंदर आए या बाहर कहीं भी हों, जब भी जरूरत हो, जितना जरूरत हो, जितना जल्दी हो, हाथ साबुन से 20 सेकेंड तक मल के धोवें, खूब साफ सुथरा। इसका हाथ से क्या संबंध है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया है, अगर हम किसी चीज के संपर्क में आ जाते जिसका मुझे नहीं मालूम वहाँ पर कोरोना के विषाणु होंगे, तो इसका केवल यही है कि ये कोरोना वायरस के जो विषाणु हैं, किसी भी डिटर्जेंट से या साबुन से या हैंड वॉश से हम अपने हाथों को अच्छी तरीके से, आए दिन हमारे दूरदर्शन पे, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम, समाचार पत्रों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा बताया जाता है आप किस तरीके से अपने हाथों को साबुन से धुलें। कोरोना वायरस का जो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को और जो पानी के झाग बनता है, उस स्ट्रक्चर को कोरोना के जो बाहरी भित्ति हो उसको तोड़ देता है, और उसका जो आरएनए, उसका मटेरियल है, वो बाहर निकल जाता है और इससे जो है कोरोना के वायरस मर जाते हैं। बस हमें कम से कम 30 सेकंड तक अपने हाथों को आगे पीछे ऊपर नीचे, जो हमारी उंगलियों के पोर हैं या इसके कलाई के ऊपर हैं, इसको ठीक प्रकार से धुल दें। धुल करके मतलब उसको नेचुरल वे में सुखाएं, मतलब किसी टॉवल आदि से मतलब उसको न खाने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास जो भी वायरस हाथों में लगे होंगे वो उनका खात्मा हो जाता है। जो लोग घर से बाहर किसी खास कार्यवश, आवश्यक कार्यवश जाते हैं, उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि का विषाणु संपर्क में आने से मतलब होता है, तो अनावश्यक बाहर न निकले। अगर बहुत ही आवश्यक हो तभी बाहर निकले, अगर निकलते भी हैं तो हमें अपनी पूरी सावधानी के साथ निकलना चाहिए। किसी चीज को न छुए, मास्क का प्रयोग करके निकले। अगर मास्क न हो तो सूती कपड़े का या गमछा है, हमारे सभी भाई बंधुओं के पास गमछा यूज करते हैं, रुमाल यूज करते हैं, उस रुमाल को अपने नाक को ढकते, मुंह को ढकते हुए निकले। और सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंसिंग, कि हम दूरी बना के रहे। देखा जाता है हम कहीं भी, मान लिया सब्जी मंडी में जाते हैं या कहीं किसी जगह पे मतलब कोई अपनी आवश्यक चीज को लेने के लिए जाते हैं, तो एक छोटा सा काउंटर होता, हम सभी लोग भीड़ बना के खड़े हो जाते हैं। ऐसा न करें, हम अपने को संयमित कर लें और एक के पीछे एक, करीब एक मीटर की दूरी बना के खड़े हो जाएं, और जब हमारा मतलब बारी आए तब उस चीजों को लें। हमारा यहाँ कहना है रेडियो के माध्यम से, अनावश्यक न निकले, निकले तो जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, दूरी बनाए, बचाव ही सजगता है, इसका इलाज है, उपचार है। डॉक्टर साहब, जो लोग इस बीमारी से संबंधित हैं या संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? इसका कोई कारगर इलाज नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, ये उन व्यक्तियों में होने की अधिक संभावना
हुई है जो विदेश से आए हैं या ऐसे जगह ट्रेवल किए जहां पर पहले से इसका संक्रमण है, फिर धीरे धीरे जो हमारे देश में आ गए जैसे मुंबई है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, नोएडा है या कुछ ऐसे हमारे भारत के भी स्टेट थे जहां पर लोगों ने आए और अनजाने अनजाने वो ये रोग दूसरों को भी लगा है, तो उनके लिए ये है कि वो तुरंत हेल्थ कर्मियों को बताएं, प्रशासन को बताएं, वहां के जनप्रतिनिधियों को बताएं, कोई अगर लक्षण नहीं है तो घर में ही अपने आइसोलेट हो जाएं, क्वारंटीन हो जाएं, अगर कोई लक्षण है तो नजदीक के स्वास्थ्य विभाग को मतलब जाकर के सूचित करें। डॉक्टर गणेश कुमार जी, आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु जन जागरूकता कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।